तो अगर आप भी एक मूवी लवर हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी अपकमिंग फिल्म का तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो अगले महीने यानी नवंबर में रिलीज होने वाली हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर एक पर आती है फोन बूथ। आपको बता दें ये फिल्म एक हॉरर और कॉमेडी बेस्ट फिल्म है जो की 4 नवम्बर को रिलीज होगी। नंबर दो पर है डबल एक्सएल। इस फिल्म में आपको एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी नजर आने वाली है। कॉमेडी और ड्रामा बेस्ड यह फिल्म भी 4 नवम्बर को रिलीज होगी। नंबर तीन पर आती है बनारस। जायद खान अभिनीत यह फिल्म एक कन्नड़ फिल्म है और यह फिल्म 4 नवंबर को ही रिलीज होगी। नंबर चार पर आती है शकुंतलम। यह तेलुगु इंडस्ट्री की एक माइथोलॉजिकल ड्रामा बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म में सामंता, रूथ प्रभु और देवमोहन नजर आएंगे और यह फिल्म भी 4 नवंबर को ही रिलीज होगी। नंबर पाँच पर है मिली। बॉलीवुड की यह फिल्म एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसमें जाह्नवी कपूर, सन्नी कौशल और मनोज पहुआ लीड रोल में नजर आएंगे। आपको बता दें ये फिल्म साल 2019 में रिलीज मलयालम फिल्म हेलेन का रिमेक है। नंबर छह पर आती है रामराज्य। तो पॉलिटिकल ड्रामा बेस्ड इस फिल्म में अभिनेता रकुल प्रीत सिंह और अमनप्रीत सिंह के साथ अभिनेत्री शोभिता राणा भी नजर आएंगी और यह फिल्म भी 4 नवंबर को ही रिलीज की जाएगी। नंबर सात पर है धूप छाऊ। आपको बता दें ये फिल्म दो भाइयों की एक ऐसी कहानी है जो एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। फिल्म में आपको राहुल देव, अहम शर्मा और अभिनेत्री चाहत खन्ना नजर आने वाली है। यह फिल्म भी 4 नवंबर को ही रिलीज होगी। नंबर आठ पर आती है थाई मसाज। यह एक कॉमेडी ड्रामा बेस्ड फिल्म है जिसमें अभिनेता राजपाल यादव नजर आने वाले हैं। आपको बता दें इस फिल्म को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है और यह फिल्म 11 नवंबर को रिलीज होगी। नंबर नौ पर आती है ऊंचाई। 11 नवंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म एक एडवेंचर ड्रामा बेस्ड फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी जैसे अभिनेता एक साथ नजर आने वाले हैं। नंबर 10 पर है रॉकेट गैंग। आदित्य सील और निकिता दत्ता अभिनीत यह फिल्म भी 11 नवंबर को ही रिलीज होगी। यह फिल्म 5 बच्चों की एक ऐसी टीम की कहानी है जो एक बड़े डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे और अंत में क्या ये टीम विनर रहेगी या नहीं यह इस फिल्म में दिखाया जाएगा। नंबर 11 पर आती है मिस्टर मम्मी। यह फिल्म बॉलीवुड की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें अभिनेता रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें फिल्म भी 11 नवंबर को ही रिलीज होगी। नंबर 12 पर आती है यशोदा। इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री की एक साइंस फिक्शन और एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें साउथ अभिनेत्री सामंता, रूथ प्रभु और वारालक्ष्मी शरद कुमार लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें यह फिल्म भी 11 नवंबर को ही रिलीज की जाएगी। नंबर 13 पर आती है मोनिका ओ माई डार्लिंग। आपको बता दें 11 नवंबर को यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री राधिका आप्टे लीड रोल में नजर आएंगी। नंबर 14 पर आती है दृश्यम 2। अभिषेक पाठक निर्देशित यह फिल्म एक क्राइम थ्रिलर बेस्ड फिल्म है जिसमें अभिनेता अजय देवगन, अक्षय खन्ना और अभिनेत्री तबू और श्रेया सरन लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें यह फिल्म 18 नवंबर को रिलीज की जाएगी। नंबर 15 पर है भेड़िया। यह फिल्म बॉलीवुड की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसमें वरुण धवन और कृति सेनन लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें यह फिल्म 25 नवंबर को रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों ये थी नवंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों की अपडेट। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।